मेरे को शिवानी से देखो मेरी बातचीत है नहीं, कभी होगी भी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता ऑल दो, बट मैं कटारे की बहुत खास दोस्त है। एलवी शादु का शिवानी कुमार से सॉरी बुलवा के रहेंगे, पूरा मैटर क्या चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दरअसल जैसा आप लोगों को पता है कि एलवी शादु लव कटारे से भी 2 महीने बाद मिले बिग बॉस के बाद, और बात करें वैसे तो इन दोनों एक्चुअली साथ में थे, कहाँ पे लक्ष्य और अर्चित भी थे। आप सभी को पता है कि एलवी शादु लक्ष्य और अर्चित पे काफी ज्यादा गुस्सा तो हो ही गए थे, यहाँ पे लव कटारे के ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। कैसे तुम लोग ने जाकर शिवानी के घर पे तुमने सॉरी मांग लिया, ये बात तो ठीक था कि वहाँ पे तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट हुआ है। शिवानी कुमार से यही अपील करता हूँ कि तुम्हें सॉरी बोले, और एलवी शादु ने और क्या गाय आप सब देखिए। कटारे की बहुत खास दोस्त है, इसलिए मैं जस्ट कटारे से बोलना चाहूंगा कि द वे शी रिएक्टेड आफ्टर दे सेड सॉरी टू हर वाज जस्टिफाइड और नॉट। भाई देखो जस्टिफाइड तो सिंपल सा नहीं, मतलब इन्होंने आगे से सॉरी बोला, इन्होंने अगर कुछ बोला भी होगा तो इन्होंने सॉरी बोला, ये बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छा जैसे भाई होगा। जैसे उसने बोला भाई सिंपल सी बात है, मेरे को भी मैंने व्लॉग तुम्हारे उसके बाद देखा, मेरे को बुरा लगा, मैंने सोचा इसको कॉल भी करता हूँ, पर वो भी आज बैंगलोर थी, मैं शूट शाट के बाद करूंगा। पर यार असलियत में ना वो बैंगलोर में फोन नहीं होगा कोई नहीं, वो ऐसी है यार, वो थोड़ी ना समझ सी है, मतलब वो कुछ भी बोल देते जो उसके मुंह में आता है, ये मेरे को भी पता क्योंकि बिग बॉस के घर में भी वो ऐसी थी। हाँ वो ऐसी है, पर वो मीन नहीं करती भाई इन चीजों को। हाँ मेरे को भी लगा कि हाँ भाई गलत बोल रहा है, ऐसे क्यों बोला, क्योंकि उस फ्रेम में मैं था भी नहीं, मैंने व्लॉग भी तुम्हारे बाद देखा, समझा दूंगा उसको भी कॉल करके, मगर भाई ये गलत है, ये चीजें अगर बोलनी भी थी तो हम वहीं पे थे, मेरे सामने भी बोलती, मैं तो इनफैक्ट इनको भी कह रहा था, मगर सॉरी मांग लो यार क्या बात हो गई इसमें, कोई सॉरी मांगने तूने बोला क्या इनको सॉरी मांगने के लिए, नहीं मतलब मैं तो मजे ले रहा था, बोला भी था पर मजे में बोला था, ऐसी कोई बड़ी भड़क नहीं है यार, वो थोड़ी बड़ बोली है। मैं कहूं ये बालक तो सॉरी मांगने वालों में से तो ना, ये हर जगह मांगने वाले हैं। मतलब कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये शिवानी में कम अकल है, ऐसा कहना चाह रहे हो? अकल कम नहीं और ना समझ है भाई, बचपन मतलब कुछ नहीं बोल देते, ना समझ मतलब वही अकल कम कुछ भी बच्चे थे 24 साल। और मेरे को ये अच्छी भी चीज लगी कि इन्होंने जाके सॉरी मांगी, बात मेरी बस ये थी कि उनने जो रिएक्शन दिया वो गलत था, और उसके ऊपर मुझे इन पे गुस्सा आया कि हाउ कैन यू टॉलरेट ऐसी चीजें, और कटारे ने भी कुछ नहीं बोला, और मेरा किसी चीज का गुस्सा नहीं था भाई, मुझे क्या लेना देना, अपना खा रही है कमा रही है, अपने घर में रह रही है मौज कर रही है, हु केयर्स। नाना भाई सही बात है, देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारा एक ओपिनियन होता है, तुम्हें उसकी आवाज पैनी लगती थी जो भी लगती थी, तुझे ना लगी, पहले लगी थी बाद में जो चीज ठीक हो गई थी। जब आप किसी के साथ कई दिन रहते हो ना तो तुम आप उसकी हरकतों को जांचने मतलब पता लग जाता है कि तुम ये ऐसा ही है भाई, कुछ नहीं कर सकते उसकी है, वो दिल की वो नहीं है, बट हाँ वो बड़ बोली है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। देखो मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ, शिवानी के जितने भी लोग देख रहे हैं, आई डोंट पर्सनली हेट हर, आई डोंट इवन हेट हर भाई, ऑब्वियसली ना मैंने उसको कभी देखा सामने से, ना मेरी कभी बात हुई उससे, और ना मेरा एज सच कोई ओपिनियन उसको लेके कि मेरे को भाई बुरी ही लग रही है, वो बुरी है, बुरा कोई नहीं होता भाई, बुरी सिचुएशंस होती हैं, जो सिचुएशन जो भी वो क्रिएट हुई और उसने जिस हिसाब से इनके साथ बर्ताव करा, दे आर वेरी क्लोज सारे जने ना, तो तुम लोगों की तो मुझे लगता है तुम लोगों को ही खराब बोलता तो उसमें मेरे को खराब लगता, ऑब्वियसली बात है, समझ रहे हो कि भाई मेरे को बोला है इनडायरेक्टली, शी डिसरिस्पेक्टेड मी, तो वही बात है सारी, तो उसको बोलना अपोलॉजी की ना। अरे मैं बात ही कराऊंगा, मैं खुद भी कॉल करूंगा ना, मैं एक बार बात तो कर ले भाई, ढंग से देखो मैं तो करूंगा नहीं, इनकी करा देना। इन सभी पे आप लोगों का क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग मेरे वीडियो पे नए हो तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना।